हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड डाइट। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है तो हमारे चेहरे के रिंकल्स और फाइन लाइंस धीरे धीरे दिखने लगते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसा एंटी एजिंग सीरम जिसको लगाने से आपके चेहरे के रिंकल और फाइन लाइन धीरे धीरे कम हो जाएंगे। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है या फिर हमारा लाइफस्टाइल या खान पान में थोड़ा भी चेंज होता है तो या पॉल्यूशन होता है तो उससे क्या होता है ना, हमारे चेहरे पे रिंकल्स और फाइन लाइंस आ जाते हैं। तो इसके लिए जो मैं आज आपको एंटी एजिंग सीरम बीटरूट सीरम बता रही हूँ, इसको आप रेगुलर लगाते रहेंगे तो फिर वो चेहरे की जो जितने भी रिंकल्स और फाइन लाइन हैं धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो चलिए मैं आज का ये वीडियो यहाँ स्टार्ट करती हूँ। इस सीरम को बनाने के लिए हमें चाहिए बीटरूट। ये बीटरूट हमने ले लिया है, अब इसको हमें पील कर लेना है। पील करने के बाद इसको आपको कट कर लेना है। बीटरूट में विटामिन सी, विटामिन B6, फॉलेट, आयरन और फास्फोरस पाया जाता है जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसको क्या करना है, हमें ग्राइंडर में पीस लेना है, पीस के इसका जूस निकालना है। ये देखिए मैंने इसका जूस निकाल लिया है। आप जब बीटरूट पीसेंगे तो थोड़ा सा गुलाब जल के साथ उसको पीस लें। अब मैं ये पतंजलि का एलोवेरा जेल ले रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे जेल ले लिया। अब इसमें क्या करना है, हमें ये बीटरूट का जूस मिक्स करना है। आपको ये ध्यान रखना है हमेशा ये सब थोड़ा थोड़ा करके ही बनाए, क्योंकि ज़्यादा बना लेने से ये फिर ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये देखिए मिक्स करने के बाद ये ऐसा बनता है। आप चाहें तो इसको और पतला कर सकते हैं थोड़ा सा और गुलाब जल। जैसे मेरा अभी स्किन ऑयली हो रखा है तो मैंने इसमें विटामिन ई का कैप्सूल नहीं डाला। अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप ये विटामिन के कैप्सूल इसमें डाल सकते हैं, या फिर थोड़ी सी ग्लिसरीन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके, ये देखिए मेरा सीरम तैयार हो गया एंटी एजिंग सीरम। इसको आपको फिंगर में लेके पूरे चेहरे पे अप्लाई करना है। इसे आप एक सीरम और क्रीम दोनों तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपने चेहरे को वॉश करने के बाद आप इस सीरम को अप्लाई करें, चाहे तो सीरम के ऊपर आप कोई भी क्रीम या मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सीरम जब आप अप्लाई करेंगे तो पूरा चेहरा आपका थोड़ी देर के लिए रेड लगेगा, लेकिन आप जैसे इसको चेहरे पर अच्छे से मिक्स करेंगे वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और जो आपके चेहरे की रेडनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और इस क्रीम या जिसे आप मैंने सीरम बोला है, इस सीरम को आप दिन में 2 बार आराम से लगा सकते हैं और आपको इसका रिजल्ट 100% दिखेगा। इसलिए आप इसे कुछ दिन तक यूज़ करके ज़रूर देखें।